हमने ये पूरी पोयम देख ली, राइट? तो अभी हमें क्या मिलेगा, हमें ये वर्ड मीनिंग आपको आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है? ये सारे वर्ड मीनिंग ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक में दिए हुए ही है, मैंने आपके लिए लिखे हैं, और ये आपको 2 बार लिखना है। फिर आगे क्या करना है, आपको लिखना है राइट न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है स्पिनिंग सेज, SPINNING, स्पिनिंग सेज यानी घूमता हुआ ज्ञानी। वंडर्ड, वंडर्ड यानी आश्चर्य, WONDERED, वंडर्ड। फिर सौरोड, सौरोड यानी दुखी, SORROWED, सौरोड। फिर है पजल्ड सेज, पजल्ड यानी पजल का मतलब पता है आपको, पजल वाली गेम्स आती है राइट, तो सेज भी वैसा ही था कि वो भी पजल में पड़ गए कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। PUZZLED, पजल्ड सेज, SAGE, एंड स्टेडीली यानी एक जगह पे ही, STEADILY, स्टेडीली। ओके, तो ये आपको न्यू वर्ड्स भी लिखने हैं आपकी नोटबुक में। चलो अब हम पोयम रीड करेंगे। द स्पिनिंग सेज। देयर लिव्ड अ सेज इन डेज ऑफ योर, एंड ही अ हैंडसम पिक्टल वर्ड, बट वंडर्ड मच एंड सोरोड मोर, बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम। ही एम्यूज्ड अपॉन द दिस क्यूरियस केस, एंड स्वॉर he would change the pigtail's place and have it hanging at his face, no dangling there behind him. Says he, the mystery I have found, he turned him round, but still it hung behind him. Then round and round and out and in, all day the puzzled sage did spin, in vain it mattered not a pin. The pigtail hung behind him, and right and left, round about, and up and down, and in and out, he turned, but still the pigtail stout hung steadily behind him. And though his efforts never slack, and though he twisted and twirl and tack, else still faithful to his back, the pigtail hangs behind him.